प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जौनपुर के टीडी कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके हक पे डाका डालने नहीं देंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक हुंकार भरी है और कहा कि 400 पार की बात जौनपुर वालों से भी अपील की है कि जौनपुर और मछलीसर दोनों जगह कमल खिलाइए। देखिए, आज मोदी जी के आने के बाद आज यही सुनिश्चित हो गया कि 4 तारीख को मछलीसर और जौनपुर में कमल खिल जाएगा और हम मछलीसर और जौनपुर वासी 400 पार में 2 की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे जनपद जौनपुर से मछलीसर और जौनपुर। मोदी जी के आने से पहले धनंजय सिंह भी भाजपा का समर्थन कर दिए, कितना फायदा मिलने को मिला? क्या धनंजय सिंह के आने से उनके समर्थक आ पाएंगे बीजेपी में? निश्चित रूप से धनंजय सिंह की विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है और उनके समर्थन जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। उनके आने से, उनके समर्थन करने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। मन से मोदी जी ने कहा कि मंगल सूत्र आपका छीनने नहीं देंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। मोदी जी जितना कह रहे हैं उतना करते हैं। महिलाओं के लिए उनके मन में जो सम्मान है, जो वो कर दिए महिलाओं के लिए, बहुत सरकारें आई और गई लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। उन्होंने वो सोचा जो महिला खुद अपने लिए नहीं सोच सकती थी। जौनपुर के विकास की बात उन्होंने कही, जौनपुर पूर्वांचल का विकास होगा, कितनी उम्मीद है? 100% उम्मीद है। इस बार हम 400 प्लस और मछलीसर जौनपुर जरूर जीतेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कृपा शंकर जी को लेकर तमाम बातें हैं, कहा जाता है जौनपुर में अभी सक्रिय हुए हैं, इसके पहले नहीं रहे हैं। भाजपा में अंतर्कलह जैसी कोई बात है कि नहीं? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कृपा शंकर जी हमारे जौनपुर से लड़ रहे हैं, वो हमें नहीं, पूरा विश्वास है, सबको विश्वास है कि वो 400 पार मतलब कि हमारे जौनपुर में कमल खिलाएंगे। और यही सब 412 सीट हमारे पर 412 सीट रहे, सभी जान रहे, और आगे भी कमल खिलेगा हमारे जौनपुर में। युवा भी हमारे साथ आगे बातचीत करने के लिए। मोदी जी आ जाए, जनसभा को संबोधित किए, आप लोग युवा हैं, आप लोग भी मतदान करेंगे, क्या चुनाव में क्या होने वाला जौनपुर में? देखिए, मैं इस बार मतदान तो नहीं करूंगी लेकिन मेरा पहला वोट मोदी को ही जाएगा। और राष्ट्रवाद जैसा मोदी जी ने आगे बढ़ाया है वैसा कोई भी नेता आज तक नहीं बढ़ा पाया है, तो मेरा पहला वोट मोदी जी को जाएगा। मोदी जी ने कहा कि तुष्टिकरण की नीति विपक्ष अपनाता है और जबकि बीजेपी ऐसा, इंडिया ऐसा नहीं करती है। मोदी जी की सारी बातों से मैं अपने आप को संबंध करता हूं। मोदी एक ऐसे नेता है जो तो ना अभी किसी भारत देश में ऐसा कोई नेता मिला था, आगे की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोदी इज ग्रेट। मोदी अपनी नहीं पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं, भारत की नहीं पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं कि सारा विश्व जो है एकदम सुखी रहे और हम लोग भी सुखी रहे। दोनों लोकसभा सीट यहाँ से निकल जाएगी बीजेपी की? जी भाई साहब, बिल्कुल 100% आश्वस्त है। पिछली बार गठबंधन बना के ये लोग लड़े थे, तब भी मछलीसर हम जीत चुके थे, यहाँ संशय था, नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार 100% हम दोनों सीट और ठीक ठाक मार्जिन से जीतेंगे। भारत माता की जय। मोदी जी आए, कितना जोश आप लोगों के अंदर आया? मोदी जी आए, पहले से उत्साहित थे कार्यकर्ता, लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी के ओजस्वी भाषण से सभी कार्यकर्ता और उत्साहित हैं। और मोदी जी जो ने कहा कि हम लोग संतुष्टिकरण पे बल देते हैं और विपक्ष जो है इंडी गठबंधन जो है तुष्टिकरण पे बल देता है, इसलिए एकदम 100% मोदी जी की लहर है और हम लोग 400 पार जा रहे हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर जो समर्थक है, यहाँ पे जो जनसभा में आए हुए लोग हैं, काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इनका कहना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी हमेशा संतुष्टिकरण की बात करती है जबकि विपक्ष जो है वो तुष्टिकरण की बात करता है। फिलहाल देखना होगा कि जौनपुर और मछलीसर लोकसभा सीट पर पीएम मोदी का कितना जादू चल पाता है, इन दोनों सीटों पर कमल खिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अजय पांडे, टीवी 9 जौनपुर।